मॉर्निंग बजा पा रही है। कैसे हो बेटा आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आपके एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आ गए हैं, ओके। और बोर्ड ने जो है वो एक न्यू नोटिस भी जारी कर दिया है आप लोगों के एडमिट कार्ड के लिए, और कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं जो आप लोगों को फॉलो करनी है और उन चीज़ों को ध्यान से देखना है, ठीक है। ये गलतियाँ आप लोगों ने बार बार नहीं करनी है, क्योंकि बताने के बाद भी बच्चे सोते रहते हैं और फिर बाद में उनको होश आता है तो फिर बाद में बहुत देर हो जाती है। तो क्या क्या चीज़ें जो उन्होंने बोली हैं, सबसे पहले तो देखिए आप लोगों के एडमिट कार्ड जो हैं, जो बच्चों के एडमिट कार्ड्स जो हैं, जैसे 10th क्लास हो गई, 12th क्लास हो गई, ओके, आप लोगों के एडमिट कार्ड्स जो रेगुलर वाले हैं, आप लोग स्कूल जाएंगे, स्कूल में आपके सिग्नेचर होंगे और वहाँ से आपको एडमिट कार्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों के एडमिट कार्ड्स बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि आप लोगों के स्कूल की यूज़र आईडी और पासवर्ड लगेगा, आपका कोई पासवर्ड वगैरह उसमें नहीं होगा। तो इसलिए अपने एडमिट कार्ड्स बाहर से निकालने की कोशिश ना करें, आपको स्कूल ही जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपका कुछ भी, आप लोगों ने कोई चीज़ पेंडिंग छोड़ी हुई है, कंप्लीट नहीं की हुई है या कुछ भी, तो वो आपके टीचर्स आपके अकॉर्डिंग, आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको उसी टाइम एडमिट कार्ड दे देंगे, ठीक है। वैसे सभी दे देंगे, तो आप लोगों के सिग्नेचर वगैरह वहाँ पर होंगे, ओके। और इसके अलावा मैं CTP वाले स्टूडेंट हो गए, एडिशनल वाले स्टूडेंट हो गए, और कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हो गए, ओपन वाले स्टूडेंट हो गए, मैक्सिमम सबके एडमिट कार्ड्स जो हैं वो आ गए हैं, ठीक है। स्टिल बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम हमारे एडमिट कार्ड्स अभी तक नहीं आए हैं या हम लोगों को एडमिट कार्ड्स नहीं मिले हैं। तो उन लोगों के लिए बोला गया है कि आप लोगों को HBSC बोर्ड जाना है और इसी महीने में जाना है बच्चे, ठीक है। इसी महीने का मतलब कि पेपर से पहले ही जाना है, पेपर के बाद नहीं, पेपर से पहले जाइए। चाहे आप लोगों को भिवानी के 1, 2, 3 चक्कर लगाने पड़े, लेकिन लगाइए। थोड़ा सा इस टाइम पर कष्ट उठा लो, क्योंकि पूरे साल की बात होती है, पूरा साल ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके एडमिट कार्ड्स नहीं आया है तो आप लोग इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके बनते हैं, आपके DMC हो गए, आपका आधार कार्ड हो गया, जो भी चीज़ें प्रीवियस चीज़ें होती हैं वो अपना लेकर अपने किसी साथ के पेरेंट्स को लेके, मतलब कोई पेरेंट्स या कोई बड़ा चला जाए, और वहाँ पर जाकर एडमिट कार्ड्स के बारे में पूछिए, पता कीजिए और एडमिट कार्ड्स लीजिए। वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड साथ के साथ वो दे देंगे, ओके। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा बस आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। अब देखो कौन सा क्या चीज़ें हैं, क्या बोला जा रहा है। उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि बोर्ड द्वारा सभी पात्र परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक जारी कर दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोलते हैं ये, मतलब रोल नंबर होता है। गत वर्षों में देखने में आया है कि परीक्षार्थियों की विवरणों में त्रुटियां रह जाती हैं तथा परीक्षार्थियों का फोटो हस्ताक्षर भी गलत पाए जाते हैं, जिसे समय रहते ठीक नहीं करवाया जाता। इसके कारण छात्रों को मानसिक और आर्थिक परेशानी होती है। तो चीज़ बिल्कुल सही बोली है इन लोगों ने कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, मैं आप लोगों को शुरू में भी बोला था कि जैसे आपका ये एडमिट कार्ड है, आपकी यहाँ पर फोटो होगी, आपको फोटो देखनी है कि वो कलर्ड है या नहीं, आपकी शक्ल उसमें पहचान आ रही है या नहीं। कई बार ऐसा होता है नेम आपका होता है लेकिन फोटो किसी और की होती है, या फिर फोटो आपकी होगी नेम किसी और का होता है। तो बच्चे उस टाइम पर ध्यान नहीं देते और केयरलेस होकर एडमिट कार्ड लेकर घर चले जाते हैं, और पेपर के दिन हो जाता है और उस टाइम पर आपको अंदर बैठने नहीं दिया जाएगा, तो काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है उस टाइम पर। तो इसलिए कोशिश यही करनी है बच्चे कि आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अब कौन कौन सी चीज़ें जो है इन्होंने बोली हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। फर्स्ट उन्होंने बोल दिया है कि प्रवेश पत्र जो है रंगीन होना चाहिए, ओके, और A4 साइज़ पेपर पर लिया जाना चाहिए। A4 साइज़ आप लोगों को पता ही होगा, रजिस्टर का जो पेज होता है, ठीक है, A4 साइज़ शीट, तो उसी के ऊपर आपको कलर जो है वो अपना रोल नंबर निकालना है। देन उसके बाद में इन्होंने बोला है परीक्षा प्रवेश पत्र केवल पात्र परीक्षार्थियों को ही जारी किए जाएंगे, मतलब जिनको जिन्होंने फॉर्म वगैरह फिलअप करे होंगे, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा उनको ही मिलेंगे। और परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी करने से पूर्व आवेदन के समय स्कैन किए गए फोटो चिपकाकर फोटो तथा प्रवेश पत्र द्वारा स्थापित किया जाना है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला है कि आप लोगों को ये तो आवेदन करने के टाइम पर था सारी चीज़ें कि स्कैनिंग वगैरह करनी थी, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। और आगे जो फिर दिव्यांग विद्यार्थियों का आ जाता है, परीक्षार्थियों को निर्देश दें कि परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुँचना है। प्रवेश पत्र को लैमिनेट ना करवाएं, क्योंकि प्रवेश पत्र पर तिथि अनुसार परीक्षार्थी व पर्यवेक्षक साइन करते हैं। बहुत सारे बच्चे ये करवाते हैं कि उसको लैमिनेट कर लेते हैं, जैसे हमें उसको 10-15 साल तक सजा के रखना है। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, उसकी ज़रूरत सिर्फ तब तक है जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते, तो लैमिनेट करवाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। उसके ऊपर आपके टीचर्स, आपके वहाँ पर जो आपका सेंटर में आपके टीचर्स होंगे वो साइन वगैरह करते हैं, तो आप लोगों को उस पर साइन नहीं, मतलब कि लैमिनेट नहीं करवाना, नहीं तो डांट खाओगे, ओके। उसके बाद में है परीक्षार्थियों को निर्देश दें कि परीक्षार्थी विद्यालय वर्दी में परीक्षार्थी ID कार्ड, आधार कार्ड, जाति परीक्षा केंद्र पर साथ लेके जाएं। परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं लेके जाना है, ये तो वैसे सबको पता ही होगा। वर्जित का मतलब होता है नहीं लेकर जाना है, ओके। ID कार्ड और आपका आधार कार्ड होना चाहिए, ID कार्ड होना चाहिए। ओपन वाले जो हैं वो आधार ID कार्ड आपका नहीं है, आप आधार कार्ड लेकर जाइए, ठीक है। और ड्रेसअप में जाना है, ड्रेसअप में जो स्कूल वाले बच्चे हैं वो ड्रेसअप में जाएं, जो ओपन रेगुलर कंपार्टमेंट जो ओपन वाले हैं, कंपार्टमेंट वाले हैं, CTP वाले हैं, वो विदाउट यूनिफॉर्म भी जा सकते हैं। आप घर के कपड़े में भी जाइए, बट एक डिसेंट लुक के साथ जाना है, आवारागर्दी टाइप फुकरा बच्चा बन के नहीं जाना है, ठीक है, कि बाल खड़े होकर जेल लगा कर गए हुए हो या लड़कियाँ जो है बहुत ज़्यादा सज धज के गई हैं, नहीं, एक डिसेंट स्टूडेंट की तरह जाना है आप लोगों को, ओके। उसके बाद में ये आगे आ जाता है,
और प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी हिदायत निर्देश पढ़ लिए गए हैं। चलिए ठीक है, ये हमने पढ़ लिए हैं और बच्चों को भी हमने पढ़ा दिए हैं। ओके सो ये चीज़ें जो हैं वो चेंजेस हुए हैं, तो आप लोग इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि ये गलतियाँ आप लोग पेपर में ना करें। ओके रोल नंबर में अगर कोई भी गलती है, एक चीज़ उन्होंने बोली है कि ये चीज़ न्यूज़पेपर में आई है अभी कि रोल नंबर में अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आपके पास 1 वीक का टाइम है, आप 1 हफ्ते का टाइम लेके आपके पास 7 डेज़ हैं, तो 7 डेज़ में आप लोगों को इसको सही करना है और कोशिश करनी है कि आप बोर्ड जाकर उस चीज़ को ठीक करवाएं। आपका रोल नंबर, आपका नेम, आपका फ़ोटो उस पर कलर्ड है या नहीं है, या फिर सारी डिटेल आपकी ही है, अच्छे से सारी चीज़ें चेक कर लेना। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं समझ आता, कमेंट कीजिए, और नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टा टेलीग्राम के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपके साथ के और भी बच्चे हैं, वहाँ पर आप उनसे बात कर सकते हैं। ओके सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स में ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ओके नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्दी मिलूंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।